सुझ नहीं रहा। मैं आज सुबह ही दुआ कर रही थी, नमाज पढ़ के, प्रेयर करके, ऐ खुदा आदिल को इतना नेक बना दे, ये जो जर्नी है उसकी जेल की वो सुधर जाए, उसको इतना पाक नेक बना दे कि उसे पछतावा हो जिंदगी का। दोबारा जिंदगी में किसी लड़की के साथ ऐसा बेरहम काम ना करे, कुकर्म ना करे, या अपनी बीवी को यानी कि मुझे जिंदा जलाश बनाया है, ऐसा ना करे मेरे साथ जो किया है। मेरा विश्वास टूट गया है आदिल के ऊपर से। अब जो कुछ भी हो सकता है कोर्ट से ही हो सकता है, डायवोर्स तो मैं नहीं दूंगी उसको, चाहे हम साथ रहे ना रहे, अब जिंदगी ऐसे ही गुजार लेंगे। कल मैं मैसूर जाऊंगी, मैं मैसूर इसलिए जाऊंगी सच्चाई का पता करने। जैसे सच्चाई तो मेरे साथ है, सामने है, मैंने आप लोगों को भेज दी है ग्रुप में, अब आप लोगों को पब्लिक के सामने डालनी है ये सच्चाई, पब्लिक को जज करने दो। मुझे नहीं पता जजमेंट कब आएगा, मुझे नहीं पता मैसूर में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या पता आदिल भी वहां पे भी जोल करके सेटिंग करके बेल लेके भाग जाए, कुछ भी कर सकता है वो। बट एक बीवी के पास ये सच्चाई आई है, मैंने मीडिया और पब्लिक के हवाले कर दिया। पहले एक पति चोर थी, उसकी कहानी मैं आप लोगों को दे दी, अब इसकी कहानी मैंने आप लोगों को दे दी। डालिए ये सब, जहां जहां आदिल ने जो बोला है वो डालिए, आदिल का जो है कॉन्वर्सेशन कैसे कहा, कह रहा है कि आई लव यू, मुझे सपोर्ट चाहिए, वो लड़की का राखी को छोड़ने वाला हूं, अब सलमान शाहरुख सब घर में बैठने वाले हैं, आदिल ने कहा है और ये सुपरस्टार बनेगा, जागते हुए सपना देख रहा है। आप सुनिए सब कुछ, अब अगर सुने आप मुझसे बात मत कीजिए, आप सुनिए सब कुछ, स्नैपचैट आप देखिए।